स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बेसल फंक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। यह हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है जिसको हम नाम देते हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके जो सॉल्यूशंस होंगे उनको हम नाम देंगे बेसल फंक्शन का, यानी y की वो वैल्यूज जो यहां पुट करने से आंसर जीरो आ जाएगा वो असल में क्या होंगे, वो बेसल फंक्शन होंगे। मैथमेटिक्स में जाने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करते हैं। हमारे ये एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्राइडरिच बेसल। उसने इस सारे प्रोसेस की जनरलाइजेशन में रोल प्ले किया था, इसकी वजह से उसके नाम पे इस फंक्शन का नाम बेसल फंक्शन है। जो इब्तदा है वो की थी डैनियल बर्नौली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका नाम जो है वो आमतौर पे कहीं भी नहीं लिया जाता, इसको बेसल फंक्शन के नाम से ही पुकारा जाता है। और ये जो ये टर्म है ये भी बेसल की डेथ के बाद ही स्टार्ट हुई। तो अब देखते हैं कि ये जो सारा कुछ हम करने जा रहे हैं इससे हमें फिजिक्स में क्या एडवांटेज मिलेगा, इसकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होगी। जो बेसल फंक्शन है ये हमें हेल्प आउट करता है सबसे पहले लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करने में, हेमहोल्ट्ज़ इक्वेशन को सॉल्व करने में। उसके साथ साथ जो बेसल फंक्शन है इसकी मदद से हम वेव प्रोपगेशन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और उसमें हीट कंडक्शन हो रही है तो उसको भी हम अंडरस्टैंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी बेसल फंक्शन का रोल है। अब हम जो है वो बाकी स्टेप वो मैथमेटिकल करेंगे और देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या निकलता है हमारे पास इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले क्या करें, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें। तो जब आप इस टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। उससे नेक्स्ट जो टर्म है इसमें एक्स आर है, एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स डिनोमिनेटर में बच जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। अब आगे ये जो टर्म है इसमें दोनों टर्म्स को आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया वन आया, एन स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एन स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हमने करना क्या है, हमने वाई फाइंड करना है, सोल्यूशन का मतलब है कि वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, सभी लोगों ने मैथमेटिक्स में बीएससी लेवल पे सॉल्व किया होगा, या बीएस वाले हैं तो उन्होंने थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी। जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वाई क्या आता है, वाई हमारे पास आता है एक्स के फंक्शन के तौर पे, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किस तरह का फंक्शन हो सकता है अज्यूम कर सकते हैं, हम अज्यूम करते हैं कोई पॉलिनोमियल। मिसाल पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरह की चीजें आ रही हूं, मिसाल के तौर पे 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस कोई भी चीज हो सकती। हमें ये कंफर्मली नहीं पता कि पॉलिनोमियल स्टार्ट कहां से हो रहा है, हो सकता है पहली पावर x ना हो, ये भी हो सकता है पहली पावर x की पावर 9 हो, या मे बी के कोई नेगेटिव पावर से स्टार्ट हो रहा हो, मिसाल के तौर पर x की पावर माइनस 6 से स्टार्ट हो रहा हो, तो हमें पहली पावर का कुछ आइडिया नहीं है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो पॉलिनोमियल में एक्स की पहली पावर आ रही है, जो हमें पता नहीं है हमने मालूम करना है, वो एक्स की पावर के है, ये मिनिमम पावर है जो पॉलिनोमियल के अंदर आ रही है, बाकी सारी पावर्स इससे बड़ी हैं। इससे बड़ी पावर्स क्या हो सकती हैं, के प्लस वन के प्लस टू ये सारी आ रही। अब के का तो हमें नहीं पता और हमें यह भी नहीं पता कि इनके साथ कोफिशियंट क्या है, तो हम जनरल कोफिशिएंट लगा देते हैं, यहां ए नॉट लगा देते हैं, यहां ए वन लगा देते हैं, यहां ए टू, ये सारे कोफिशिएंट्स लगा के इसको लिख देते हैं। अब हम इसको लिखते हैं समीशन की फॉर्म में। जब आप समीशन की फॉर्म में लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर के प्लस आर। जनरली समीशन में एन आता है या के आता है, लेकिन वो हम यूज कर चुके हैं तो इसलिए हम समीशन लगा रहे हैं आर के ऊपर। अब अगर इस समीशन को खोलें, आर को जीरो पुट करें ये टर्म आ जाएगी, वन पुट करेंगे ये टर्म आ जाएगी,
आर की जगह टू पुट करेंगे, ये टर्म्स टर्म आ जाएगी, इन्फिनिटी तक पुट करते जाएंगे टर्म्स आती जाएंगे। आपका मेन गोल क्या है आप समझ लें, आपको के की वैल्यू का नहीं पता, आपने ये फाइंड करनी है, आपने ए नॉट फाइंड करना है, ए वन फाइंड करना है, ए टू फाइंड करना है, ये सारे फाइंड करने। जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो आप समझें कि आपका काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो y की वैल्यू आई हुई है, इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो dy वाई बाई डी एक्स आ गया, किसके इक्वल आएगा, डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लगाएं, r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है, ए आर के प्लस आर शुरू में आ गया और पावर एक कम होके x की पावर k प्लस आर माइनस वन बन गई। अब ऐसा करें, इसका दोबारा डेरिवेटिव लें, तो ये वो दूसरा डेरिवेटिव जो होगा उसको हम कहते हैं डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर, और यहां पे r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है, देखें जरा ए आर एज इट इज लिख लें, के प्लस आर भी एज इट इज लिख लें, आगे पावर रूल लगा लें, तो आप पावर के प्लस आर माइनस वन है वो शुरू में आ जाएगी और एक्स की पावर एक कम कर दें तो के प्लस आर माइनस टू के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लिया है, फिर इसका डबल डेरिवेटिव ले लिया, ये सर हम क्यों ले रहे हैं, हमने ये डेरिवेटिव क्यों लिए। अच्छा सवाल है कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, इसकी क्या जरूरत है। असल वजह यह है कि हमने, हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, इसमें जितनी भी चीजें हैं उनकी वैल्यू का हमें पता होना चाहिए, हमें dy बाई डी एक्स का पता होना चाहिए, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर का पता होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास आ गया। अगर इस इक्वेशन की बात, इस टर्म की बात करें, तो यहां dy बाई डी एक्स तो हमारे पास है, 1 ओवर x को साथ हम इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब हम 1 ओवर x को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, तो इधर भी x से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इधर x से डिवाइड कर रहे हैं, जब ये x से डिवाइड करेंगे तो ये x की पावर जो है इसको मजीद एक कम कर देगा, ऊपर जाना है इसने, इसने पहले नंबर पे x की पावर माइनस वन बनना है, ये x की दोनों पावर्स ऐड होंगी तो माइनस वन मिलके माइनस टू हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ख्याल है बहुत इजी है, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप, वन ओवर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास आ गया, ये वाली टर्म जो है ये आपके पास मौजूद है, ये वाली जो टर्म है ये भी आपके पास मौजूद है यहां पे। अब एक टर्म जो आपके पास मौजूद नहीं है वो ये वाली, तो हम उसको भी लिखते हैं, वन माइनस एन स्केयर ओवर एक्स स्केयर इंटू वाई विच इज इक्वल टू वन माइनस एन स्केयर ओवर एक्स स्केयर, वाई की जगह अब क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करें, आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू रेज पावर के प्लस आर। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जब वन को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो मल्टीप्लाई करें आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर के प्लस आर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन स्केयर आएगा ए आर आएगा एक्स की पावर के प्लस आर, और ये एक्स स्केयर से डिवाइड होने की वजह से यहां पे माइनस टू आ जाएगा। तो यहां तक ये काम हो गया है, अब हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये भी आ गई है और ये यहां पे पड़ी हुई। अब हमने क्या करना है, एक दो तीनों टर्म्स को इस इक्वेशन में पुट करना है, तो पुट करके देखते हैं। सबसे पहले डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर की वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो ये वाली चीज पुट करें, r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर इंटू के प्लस आर माइनस वन एक्स की पावर के प्लस आर माइनस टू। उसके बाद सेकेंड टर्म देखें, ये वाली है, इसको भी पुट करते हैं, r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर एक्स की पावर के प्लस आर माइनस टू। ये दो टर्म्स हो गई हमारे पास।
अब इसके ये वाली टर्म पुट करनी है जिसके ये दोनों आंसर, तो दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं, हम ये वाली टर्म पहले लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं माइनस आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन स्क्वेयर ए आर एक्स टू रेज पावर के प्लस आर माइनस टू, और दूसरी टर्म जो है वो ये वाली प्लस आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू रेज पावर के प्लस आर। अब ये हमारे पास चार टर्म्स आ गई, ये हमने यहां पुट कर दी, दो टर्म्स इसकी आई हैं, इन दोनों की एक एक टर्म आई, और ये बराबर किसके है, जीरो के, तो जीरो के बराबर लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, इजी है मेरे ख्याल में। अब आपने क्या करना है, अब आप इस टर्म को एक दफा ऐसे ही रहने दें, और ये पहली तीन टर्म जो इक्वेशन में आ रही हैं एक दो और तीन, इनके ऊपर आ जाएं कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम करते ये हैं, इन तीनों टर्म्स को देखें, एक दो तीन, तो इनमें एक तो समीशन आ रही है r फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, जो जो चीजें आ रही हैं कॉमन लेते जाते हैं, दूसरी चीज आ रही है ए आर, सब में आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, और ये अगर कॉमन ले लें आगे x की पावर के प्लस आर माइनस टू भी सब में कॉमन है, वो भी कॉमन लेंगे लेकिन वो बाद में लिखेंगे। तो बाकी जो चीज यहां बचती है ये दोनों बचते हैं के प्लस आर इंटू के प्लस आर माइनस वन। नेक्स्ट टर्म में देखें तो क्या बचता है ए आर के प्लस आर, थर्ड टर्म में आप जाते हैं तो क्या, सॉरी ए आर तो हम कॉमन ले चुके हैं, के प्लस आर आएगा, और थर्ड टर्म में अगर आप देखें तो माइनस एन स्केयर आ गया, और ये पावर एक्स की हमने कॉमन लेनी है तो ये कॉमन लेके बाहर लिख दें एक ही दफा के प्लस आर माइनस टू, और ये टर्म जिसको मैंने कहा था कि इसको हमने नहीं छेड़ना है, इसको एज इट इज लिख लें, प्लस आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू रेज पावर के प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास चीज बन गई। अभी हम इसके अंदर मजीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इतनी चीज में हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, अब सिर्फ इस स्टेप में आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर, यहां से दोनों टर्म्स में देखें क्या चीज कॉमन आ रही, के प्लस आर कॉमन आ रहा है। जब आप के प्लस आर को कॉमन लोगे तो पहली टर्म में क्या बचेगा, ये चीज बचेगी के प्लस आर माइनस वन, और दूसरी टर्म में जब के प्लस आर था के प्लस आर ही कॉमन आ गया तो जीरो नहीं बचेगा, याद रखना वन बचेगा, तो प्लस वन आ गया माइनस एन स्क्वेयर इंटू एक्स टू रेज पावर के प्लस आर माइनस टू, और ये टर्म आ गया एज इट इज लिख लें आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू रेज पावर के प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। अब जरा गौर करो, ये वन और माइनस वन कैंसिल हो रहे हैं, ये क्या बचेगा, ये आपके पास के प्लस आर बच जाएगा, के प्लस आर को के प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा के प्लस आर स्क्वेयर। आजकल लॉकडाउन की वजह से डस्टर नहीं मिल रहा, इस वजह से ऐसे ही गुजारा हो रहा है। तो ये हम क्या करते हैं आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर का स्केयर बन गया, इसमें से एन स्केयर माइनस कर लिया, इसके साथ आ गया एक्स की पावर के प्लस आर माइनस टू, और दूसरी टर्म आपके पास क्या बनेगी प्लस आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर के प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन जो है ये अब आपके सामने काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुकी।
अब हम चीजें फाइंड करना शुरू करते हैं अंदर से। जब भी हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है और हमारे पास एक्स की पावर्स आ रही होती हैं, तो हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। उससे क्या मुराद है वो थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको, कि अगर लेट्स से के थोड़ा सा हम यहां पे रफ कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 3x² प्लस 5x प्लस 9। तो जब हम कोफिशंट्स कंपेयर करते हैं तो ए हमारे पास 3 के इक्वल आ जाता है, बी 5 के इक्वल आ जाता है, सी 9 के इक्वल आ जाता है। अगर दोनों साइड पे एक्स की तमाम पावर्स के कोफिशंट्स बराबर नहीं होंगे तो दोनों साइड्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। अगर इक्वल है तो फिर कोफिशंट्स सेम होने चाहिए। तो अब हमने कोफिशंट्स को ही कंपेयर करना है। अब हमारे पास ये दो समीशंस लिखी हुई हैं और इस साइड पे जीरो है। अब हमने देखना ये है यहां पे कि इस एक्सप्रेशन में एक्स की सबसे छोटी पावर कौन सी आ रही। अगर इस समीशन की बात करते हो आप, तो यहां पे आर को अगर आप जीरो पुट कर दो तो ये जो एक्स की पावर है ये के माइनस टू बन जाती है। यानी इस एक्सप्रेशन में से मिनिमम पावर एक्स की के माइनस टू आ सकती है। और यहां से अगर आप आर को जीरो भी पुट कर दो, क्योंकि जीरो से छोटी वैल्यू तो नहीं है पुट कर सकते आप, तो आप जीरो भी पुट कर दो तो यहां पे मिनिमम पावर एक्स की पावर के है। हम कोफिशंट्स पहले कंपेयर करेंगे एक्स की पावर के माइनस टू के। हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग कॉफिशियंट्स ऑफ एक्स टू रेज पावर के माइनस टू ऑन बोथ साइड्स। जब आपने आर को यहां जीरो पुट किया या आपके पास ए नॉट है, आर की जगह जीरो लगाते जाओ, के प्लस आर की जगह के ही बन जाएगा, स्केयर इसके ऊपर बाहर था यहां पे, क्योंकि के प्लस आर ने के प्लस आर से मल्टीप्लाई होना था। तो ये आपके पास के प्लस आर इसका स्केयर माइनस एन स्केयर, इस तरफ इस पावर का सिर्फ यही कॉफिशियंट बनेगा, सॉरी के प्लस आर नहीं बल्कि के का स्केयर, क्योंकि आर तो हमने जीरो कहा हुआ है, आर को हमने जीरो कहा हुआ है, के का स्केयर माइनस एन का स्केयर, और ये साथ एक्स की पावर आ रही है। इस तरफ इस पावर का कॉफिशियंट क्या है, जब जीरो आ रहा है इसका मतलब है इस तरफ एक्स की तमाम पावर्स का कॉफिशियंट जीरो है। तो कंपेयर करते हो तो यहां से ये कॉफिशेंट आया इसका, इस टर्म में ये पावर मौजूद नहीं, क्योंकि यहां पे पावर स्टार्ट हो रही है एक्स पावर के से, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकती इस कॉफिशेंट के कंपैरिजन, इसको आप इग्नोर कर दो। और इस साइड पे आपके पास ये क्या आएगा, जीरो एक्स पावर के माइनस टू का कॉफिशेंट, इस तरफ जीरो है, इस तरफ के माइनस टू का कॉफिशेंट ये वाला। जब आप कंपेयर करते हो ये चीज आ गई आपके पास, अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, यानी या तो ए नॉट जीरो है या फिर के स्केयर माइनस एन स्केयर जीरो है। अब ए नॉट तो जीरो कभी नहीं हो सकता, तो के स्केयर माइनस एन स्केयर फिर अगर जीरो रखते हो तो के स्केयर आपके पास एन स्केयर के इक्वल आ जाता है और के आपके पास आ जाता है प्लस माइनस एन के। सर आपने बताया कि इधर ए नॉट जीरो नहीं हो सकता, अगर हम इधर ए नॉट को जीरो कर लें तो उससे क्या होगा? हाँ जी, ए नॉट क्यों नहीं जीरो हो सकता, ए नॉट बच्चे इसलिए जीरो नहीं हो सकता कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि पॉलिनोमियल स्टार्ट कहां से हो रही है, मिनिमम पावर कौन सी, एक्स की पावर के। जो पॉलिनोमियल था हमारे पास, जो मैंने एक्सपेंड करके लिखा था, उसमें मिनिमम पावर एक्स की कितनी आ रही थी, के आ रही थी, इसका कोफिशियंट कितना था, ए नॉट। अगर ए नॉट ही जीरो हो जाए तो इसका मतलब है ये पावर अंदर नहीं आ रही थी। हमारी अजम्पशन है कि एक्स की पावर के मिनिमम पावर, अगर मिनिमम पावर है और वो वहां मौजूद है तो उसका कोफिशियंट जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए ए नॉट तो जीरो नहीं है, तो फिर यही जीरो है और के हमारे पास प्लस माइनस एन के इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम दो केसेस ले लेते हैं, केस वन में हम के को एन के इक्वल रखेंगे और केस टू में हम के को माइनस एन के इक्वल रखेंगे। तो केस वन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन आपके पास है, मेन इक्वेशन यही चल रही थी ना, इस इक्वेशन में आप के की जगह एन पुट करते हैं ताकि आपके पास वेरिएबल्स कम रह जाएं, थोड़ा
थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इस इक्वेशन में क्या होता है, जब आप के की जगह एन पुट करते हैं, आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर, आर की जगह तो आर ही आना है, के की जगह एन आ गया, एन प्लस आर का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर एक्स की पावर एन प्लस आर माइनस टू प्लस आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर, ये वाली टर्म, और के की जगह पुट किया है हमने एन, तो एक्स की पावर एन प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। तो अब आपके पास इक्वेशन ये बन गई। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, एन प्लस आर का स्क्वायर है माइनस एन का स्क्वायर, तो इसको जब आप ओपन करोगे, इसको अलहदा से सॉल्व कर लेते हैं, एन प्लस आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, ये बराबर हो जाएगा एन का स्क्वायर प्लस टू एन इन टू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं, प्लस आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इसके, और यहां से अगर आप कैंसिल करो, एन स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया इज इक्वल टू टू एन आर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया मजीद ये वाली चीज। तो इसकी जगह सेकंड स्टेप में आप ये लिख लें, तो क्या होगा, आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर इंटू, ये पुट करते हैं, तो आर स्क्वेयर प्लस टू आर एन इंटू एक्स टू रेज पावर के, सॉरी के की बजाय अब एन चल रहा है हमारे पास, और नेक्स्ट टर्म में आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर आर स्क्वेयर, सॉरी इसमें कुछ नहीं आ रहा ऐसा, इसमें आ रहा है एक्स टू रेज पावर एन माइनस, सॉरी एन प्लस आर, ये सेकंड टर्म भी हमने लिख ली। अब हमने पहले हमने कोफिशिएंट्स किसके कंपेयर किए थे, एक्स की पावर के माइनस टू के, जो कि के चूंकि एन हो गया है तो एन माइनस टू के कोफिशिएंट्स हम कंपेयर कर चुके हैं। अब हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं एन माइनस वन के। यहां पे अगर मैं चाहूं कि यहां से एक्स की पावर एन माइनस वन आए, कैसे आएगी, एन माइनस वन पावर मुझे चाहिए, तो मुझे इस समेशन में आर को वन पुट करना पड़ेगा, आर को वन पुट कर दूंगा, यहां से एक्स की पावर कितनी जनरेट होगी, एन माइनस वन, साथ में क्या आएगा, ए वन आ जाएगा क्योंकि आर तो वन है, यहां भी वन पुट करोगे तो वन प्लस, यहां भी वन पुट करोगे आर की जगह टू एन, ये आग बस आ गया। इस समेशन में एक्स की पावर सबसे छोटी कौन सी है, इस समेशन में आर को जीरो पुट करते हो, एक्स की पावर एन सबसे छोटी पावर, तो मतलब ये कि एक्स की पावर एन माइनस वन यहां तो है ही नहीं, तो इसलिए इस समेशन को इस दफा भी हमने अंदर काउंट नहीं करा। तो जब हम काउंट नहीं करेंगे तो ये अंदर से फारग हो गई, तो ये हमारे पास आ गया जीरो के इक्वल, यानी जीरो इंटू एक्स टू रेज पावर एन माइनस वन। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, आपके पास आ जाएगा टू एन प्लस वन इंटू ए वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे 2n प्लस वन तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि a1 हमारे पास जीरो के इक्वल, ये क्यों जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो इसलिए नहीं हो सकता कि अगर इसको जीरो कर दूं तो फिर n की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई टू, फिर मेरा जो सोल्यूशन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ तब इस इक्वेशन पे अप्लाई होगा अगर यहां एन स्क्वेयर की जगह माइनस वन बाय फोर आ रहा हो, तो अदरवाइज इक्वेशन का फायदा नहीं होगा सोल्यूशन का। तो मैंने सोल्यूशन जनरल फाइंड करना है जो एन की तमाम वैल्यूज के लिए एक्सेप्टेबल हो, सिर्फ माइनस वन बाय टू के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, तो इस वजह से मैं यहां से
इस पॉसिबिलिटी को कंसीडर नहीं करूंगा, मैं इसको जनरल रहने दूंगा, मैं यहां पे एन स्क्वायर ही रहने दूंगा और मैं यहां पे ए वन को जीरो कंसीडर करूंगा। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम काम कर चुके हैं उसमें हमने ए वन फाइंड कर लिया है, एक्स टू रेज पावर एन माइनस टू के कॉफिशंट कंपेयर किए हैं दोनों तरफ, एक्स टू रेज पावर एन माइनस वन के कॉफिशंट कंपेयर किए हैं। आगे मजीद काम करने से पहले हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। तो दोबारा कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एन आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर इंटू आर स्क्वेयर, सॉरी ये जो इक्वेशन दोबारा लिख रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि ये टर्म आई कहां से थी, क्योंकि अभी हम इसको यूज करके आगे डेरिवेशन नहीं कर सकते। ये टर्म आई थी एन प्लस आर स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर से, आपको याद होगा, वीडियो को आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं कि एन प्लस आर स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर था आपके पास और साथ में था एक्स टू रेज पावर एन प्लस आर माइनस टू। तो अब ये हमने दोबारा से इसको पहले तरीके से लिख दिया जिस तरह पहले लिखा हुआ था इस चीज को, और अब इस तरीके से नेक्स्ट डेरिवेशन जो आगे करनी है उसमें आसानी होगी। और आगे नेक्स्ट ये टर्म जो है इसको एज इट इज लिख दें, प्लस आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू रेज पावर एन प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। अब हमने करना क्या है, अब हमने एक्स की पावर एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू सबके कोफिशंट्स नहीं कंपेयर करते रहना, अब हमने एक जनरल टर्म लेनी है जिसके कोफिशंट्स दोनों तरफ कंपेयर करने। वो जनरल टर्म कौन सी है, वो है एक्स टू रेज पावर एन प्लस आर। तो हम लिखते हैं by comparing the coefficients of x to raise power n plus r on both sides। उसके बाद हम जब हमने कंपेयर करना है तो अब हमारे पास ये दो समीशंस हैं, दोनों समीशंस में ये टर्म मौजूद है। कैसे, जरा समझें, समीशन का मतलब होता है कि बहुत सारी टर्म्स ऐड हो रही, यहां पे n plus r minus 2 पावर है, यहां पे पावर है n plus r। अब होता ये है कि ये टर्म जो है ये दो स्टेप पीछे है, मतलब यहां पे जब x की पावर 5 चल रही होगी यहां 7 होगी, यहां पे x की पावर जो है वो 20 चल रही होगी यहां 22 होगी। तो ये टर्म जो है ये दो स्टेप्स पीछे है इससे। जब हमने कोई जनरल टर्म के कोफिशंट कंपेयर करने हैं तो हमने इस बात को जेन में रखना है, क्योंकि ये दो टर्म्स पीछे चल रही है इसलिए यहां पर हम आर की जगह आर प्लस टू पुट करेंगे। तो इस समीशन में जब हम r की जगह r प्लस टू पुट करते हैं तो हमारे पास a के साथ क्या आ जाता है, r प्लस टू n प्लस r की जगह क्या लिखेंगे, r प्लस टू माइनस n का स्क्वायर x टू रेज पावर n प्लस r है उसकी जगह लिखें r प्लस टू माइनस टू, ये वाला आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहां पे चूंकि ये टर्म पहले ही आ गई है इसलिए इसमें आपको दो ऐड करने की जरूरत नहीं, तो यहां पे आप जस्ट आर ही पुट करेंगे तो ये पास आ जाएगा प्लस ए आर एक्स टू रेज पावर एन प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। अब ये जेन में रखें कि अब समीशन खत्म हो चुकी है, अब हमने एक ही टर्म ली हुई है और इस तरफ भी अगर इसके कोफिशंट्स को देखें तो जीरो का मतलब है कि इधर जीरो एक्स टू रेज पावर एन प्लस आर। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, समझ लें कि ये सारी चीज लिखी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फार्मूला पता होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। जब यहां पे आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए आर प्लस टू एन प्लस आर प्लस टू माइनस एन, ये पहले एक दफा प्लस एन कर लें दूसरी दफा बेशक माइनस कर लें एन प्लस आर टू माइनस एन, और साथ में क्या आ जाएगा एक्स टू रेज पावर एन प्लस आर आ गई और यहां पे प्लस ए आर एक्स टू रेज पावर एन प्लस आर इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स टू रेज पावर एन प्लस आर। अब क्या करेंगे इसको, अब हम करते ऐसे हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास बनेगा ए आर प्लस टू, यह बन गया टू एन प्लस आर प्लस टू, ये एन एन से कैंसिल हो गया तो ये बन गया आर प्लस टू
अब एक्स टू रेज पावर एन प्लस आर आप समझ लें कि टोटली कैंसिल आउट कर दी है हमने कॉमन लेके, लेकिन ऐसा नहीं किया हमने, असल में हम इसके कोफिशियंट्स कंपेयर कर रहे हैं, तो कैंसिल आउट नहीं कर रहे उस तरह से जिस तरह मैंने शो किया है, बल्कि कोफिशियंट्स कंपेयर कर रहे हैं। तो ये अब आर प्लस टू आ गया, इधर से क्या बचा, ए आर आ गया और बराबर आ गया 0 के। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, अगर देखें तो ये दो टर्म्स हैं, इसमें ये टर्म ऐड हो रही है, ये चीज इस तरफ ऐड हो रही है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं और इसको कर दें माइनस ए आर। जब ये माइनस ए आर हो गया, अब ये जो चीज साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसने दूसरी तरफ जाके डिवाइड होना है नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में उधर जाके डिवाइड होके हो गया ए आर प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ए आर ओवर आर प्लस टू इंटू टू एन प्लस आर प्लस टू, ये आ गया। अब हमारे पास एक जनरल ऐसी टर्म आ गई है जिससे हम बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, तो दोबारा हमें इन रिलेशंस पे वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने क्या करना है, सपोज हमने ए टू को फाइंड करना है पहले, तो ए टू को फाइंड करने के लिए आप यहां पे आर की जगह 0 पुट कर दो, तो पुट आर इज इक्वल टू 0, तो आर को 0 पुट करने से ये आपके पास ए टू हो गया, आर को 0 पुट करने से ये ए नॉट हो गया, आर को 0 पुट करने से यहां पे ये 0 प्लस टू टू आ जाएगा, और यहां पे आर को 0 पुट करने से 2n प्लस टू आ जाएगा। अब आप क्या करें, दोनों टर्म्स में से दो कॉमन ले लें, यहां से भी दो कॉमन ले लेंगे और यहां से भी दो कॉमन ले लेंगे, तो मिलके टू स्केयर बन जाएगा, बाकी अंदर क्या बचेगा, यहां से दो कॉमन ले लिया एक बच गया, यहां से दो कॉमन ले लिया तो ये एन प्लस वन बच गया। आगे जाके हमने एक सिमिट्री प्रोड्यूस करनी है, उस वजह से हमें पता है वैसे भी कि वन का फैक्टोरियल जो है वो वन के इक्वल होता है, वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन, हमें ये मालूम है कि वन का फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है, तो इस वजह से हम इसको वन फैक्टोरियल के इक्वल लिख देते हैं। ये हमारे पास अभी ए टू आ गया। अब अगर ए फोर फाइंड करना हो, हमने पहले इवन टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, ऑड टर्म्स थोड़ा से बाद में फाइंड करेंगे। ए फोर फाइंड करना हो तो ए फोर के लिए हमें आर को यहां पे टू पुट करना पड़ेगा, तो जैसे ही हम आर को टू पुट करेंगे तो यहां पे टू प्लस टू फोर हो जाएगा, यहां पे माइनस ए टू, नीचे देखें तो टू प्लस टू कितना हो गया, फोर हो गया अगेन, और यहां पे भी अगर आप आर की जगह टू पुट करते हैं तो टू एन प्लस सिक्स आ जाता है। अब यहां से आप दोनों टर्म से अगेन दो ही कॉमन लें, बेशक ज्यादा कॉमन आ रहा है लेकिन हमने एक रिलेशन बनाना है, उस वजह से हम दोनों टर्म्स में से दो ही कॉमन लेंगे, तो यहां से दो कॉमन लिया और यहां से भी दो, तो टू का स्केयर बन गया, यहां पे दो बच गया और यहां पे एन प्लस थ्री कॉमन, दो कॉमन लेने के बाद दोनों से कॉमन लेना ना, ये इन दोनों से, तो एन प्लस थ्री बाकी बच जाएगा, ये माइनस ए टू साथ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ए टू की वैल्यू पुट करते हैं इधर से, तो ए टू की अगर आप ये वाली वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास अब ए फोर आ जाता है माइनस वन ओवर ए टू, के अलावा बाकी चीजें क्या क्या हैं वो पहले लिख लेते हैं, टू का स्केयर इंटू टू इंटू एन प्लस थ्री, और उसके साथ साथ ए टू की जगह क्या आ रहा है आपके पास, ए टू की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आ गया माइनस ए नॉट, ये ए टू की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ए नॉट ओवर टू का स्केयर वन का फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन। यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, वो ये है कि जब आपने आर को यहां पे टू पुट किया है तो ये टू एन प्लस फोर बनेगा, सिक्स नहीं बनेगा, फोर बनेगा, और यहां से ये एन प्लस टू आएगा कॉमन लेने के बाद, तो यहां पे ये एन प्लस टू है। अब हम क्या करते हैं,
हम इसको इकट्ठा करके लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए फोर इज इक्वल टू ए नॉट, टू का स्क्वेयर और टू का स्क्वेयर टू की पावर फोर, टू और वन का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा तो ये टू का फैक्टोरियल बन जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, एन प्लस टू और एन प्लस वन मल्टीप्लाई होंगे तो हम लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ये हमारे पास ए फोर आ चुका है। अब हमने फाइंड करना है ए सिक्स। मैंने बताया कि इवन टर्म्स पहले फाइंड कर रहे हैं तो हम आर को यहां इस इक्वेशन में फोर के इक्वल पुट करते हैं। तो जब यहां पे आर को आप फोर पुट करोगे तो आपके पास फोर प्लस टू सिक्स आ जाएगा, यहां पे माइनस आर की जगह फोर, नीचे यहां पे फोर पुट करोगे फोर प्लस टू सिक्स आ जाएगा, यहां पे फोर पुट करोगे फोर प्लस टू सिक्स आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया टू एन प्लस सिक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपने ए फोर की वैल्यू ऊपर से उठा के इधर पुट करनी है टू एन प्लस सिक्स के साथ, बल्कि अभी ये काम और भी करना है आपने, यहां से टू कॉमन ले लें और यहां से भी टू कॉमन ले लें। यहां से टू कॉमन लिया तो ये दोनों से टू कॉमन लेके टू का स्क्वेयर, इधर थ्री बचेगा, इधर क्या बचेगा, यहां से भी टू कॉमन, यहां से भी टू कॉमन, और ये एन प्लस थ्री बचेगा। थोड़ा सा बता दूं आसानी के लिए कि अगर आप यहां से भी टू कॉमन ले रहे हो और यहां से भी टू कॉमन ले रहे हो तो ये टू का स्केयर बन रहा है, लेकिन इस टर्म के अंदर आप जितनी भी रकमें हो उनसे टू सबसे कॉमन ले लोगे तो वो स्केयर नहीं बनेगा, तो ये स्केयर एक एक इस टू का है और एक इन दोनों का टू है, तो इसलिए टू का स्केयर बन रहा है। अब क्या करना है आपने, अब आप ए फोर की ये वाली वैल्यू पुट करो तो आपके पास आ गया ए नॉट ओवर टू की पावर फोर टू फैक्टोरियल एन प्लस वन एन प्लस टू, ये यहां तक। अब क्या करते हैं हम इनको मिला के लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया माइनस ए नॉट ओवर टू की पावर सिक्स इंटू थ्री को टू फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास थ्री का फैक्टोरियल आ जाएगा, किसी भी फैक्टोरियल को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो वो नए नंबर का फैक्टोरियल बन जाता है। एन प्लस थ्री एन प्लस वन एन प्लस टू मिलकर बन गया एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, यह हमने ए सिक्स तक फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इसको यहां पे छोड़ते हैं और ऑड टर्म्स पे आ जाते हैं, यानी ए थ्री ए फाइव ए सेवन वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो ए थ्री फाइंड करने के लिए आपको आर की जगह टू पुट करना पड़ेगा, सॉरी वन पुट करना पड़ेगा, तो R की जगह 1 पुट करोगे ये A3, R की जगह 1 पुट किया ये A1, और ये नीचे R प्लस टू टू एन प्लस आर प्लस टू, नीचे डेफिनेटली डिनोमिनेटर में R को आप 1 पुट करोगे जीरो नहीं बनेगा, ऊपर जो है वो जीरो है तो जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड कर दें अदर देन जीरो तो जवाब क्या आता है, वो जीरो होता है, क्योंकि A1 हम पहले फाइंड कर चुके हैं कि वो जीरो था, ये चीज हमने मालूम कर ली है कि ये जीरो है पिछले दफा जब व्हाइट बोर्ड अरेज किया है, तो इस वजह से ये सारी टर्म ही जीरो हो जाएगी। सिमिलरली आप ए फाइव को लिख सकते हो, जब आप आर को थ्री फुट करोगे तो ए फाइव आ जाएगा इधर से, इधर से ए थ्री आएगा आर प्लस टू ओवर टू एन प्लस आर प्लस टू, यहां पे इवन आर की वैल्यूज वगैरह भी पुट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमारे पास ए थ्री जीरो आ गया है, जब एक चीज जीरो हो गई है तो फिर नीचे डिनोमिनेटर में डेफिनेटली जीरो नहीं बनेगा, ये तो आप चेक कर लीजिएगा, तो ये जवाब जो ए फाइव का वो भी जीरो आ जाएगा। इस तरीके से सारी ऑड टर्म्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगी, ए वन ए थ्री ए फाइव ए सेवन ए नाइन ए इलेवन, ये जितने भी हैं ये सारे ही जीरो के बराबर हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ इवन टर्म्स बचेंगी, तो वो हम पुट करते हैं और हम समेशन में रिजल्ट को लिखने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास था y इज इक्वल टू आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू रेज पावर k प्लस आर था, जो हमने n प्लस आर कर लिया था k की वैल्यू n आने के बाद पहले केस में। अब हम यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं क्योंकि हमें a नॉट का भी पता है, a टू का भी, a फोर का भी, a सिक्स का भी, तो वो वैल्यूज पुट करने से क्या होने वाला है,
ये मैं अपनी आसानी के लिए नहीं मिटा रहा क्योंकि मुझे वैल्यू भूल जानी है, तो बाकी वैसे ये ज़रूरत नहीं है इसको, आप बेशक आपने तो तरतीब से ही लिखना है ना पेपर में। अब क्या करेंगे, हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर एन आ जाएगा क्योंकि आर को जीरो पुट किया, फिर आर को वन पुट करते हैं तो टर्म जीरो हो जाती है क्योंकि ए वन जीरो है। तो फिर मतलब ये है कि आपने आर की ऑड वैल्यूज यहां नहीं पुट करनी, सिर्फ इवन वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां पे ए टू पुट करोगे आप तो ये आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस टू प्लस ए फोर एक्स की पावर एन प्लस फोर प्लस सो ऑन, इस तरह चलता जा रहा है। तो इसको जनरली हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं ए नॉट ए टू और ए फोर की। ए नॉट की वैल्यूज तो पुट वैल्यू तो पुट हो नहीं सकती, तो ए नॉट तो ए नॉट के इक्वल ही है, उसकी वैल्यू अभी आगे जाके हमने सपोज करनी है। तो हमारे पास आ रहा है एक्स टू रेज पावर एन, ए टू किसके इक्वल है माइनस ए नॉट ओवर टू का स्केयर इंटू वन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन, एक्स की पावर है एन प्लस टू। आगे आपके पास ए फोर किसके इक्वल है, ये प्लस है ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस फोर, साथ लिख ली, इसके नीचे आएगी टू की पावर फोर जो हमने फाइंड की थी, और फैक्टोरियल भी टू का आएगा और यहां पे एन प्लस वन एन प्लस टू आएगा। अगर इससे अगली टर्म भी लिख लें हम तो वो हमारे पास आई थी माइनस ए नॉट एक्स टू रेज पावर एन प्लस सिक्स आएगा यहां से जो आगे चल रहा है, और यहां पे टू की पावर सिक्स आ जाएगी, फैक्टोरियल थ्री का बन जाएगा, और एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री बन जाएगा। अगर आप इस स्टेप को लेके चलते हो, प्रोसेस करते जा रहे हो, तो बहुत सारी टर्म्स के बाद हम कहते हैं कि कोई आर्थ टर्म आ रही है। आर मतलब एक जनरल नंबर होता है, जरूरी नहीं होता कि ये आर यही वाला है। अब दोबारा से हमने आर को डिफाइन किया नए सिरे से कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, तो आर्थ टर्म कितनी होगी। इस सिमेट्री से देखो तो चलते चलते आप देखो पहली टर्म पॉजिटिव आई है और इसमें ए नॉट कॉमन नहीं लेना, ये जरा गलत किया हुआ है, इसमें ए नॉट आ रहा होगा वरना सबसे कॉमन आएगा। पहली टर्म आपके पास पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव। जब इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव की अल्टरनेट सीरीज हो, इसका मतलब है आर्थ टर्म जो है वो माइनस वन की पावर आर के इक्वल होगी, एक्स की पावर एन प्लस टू आर आ जाएगी यहां पे। याद रखिएगा आर को हमने दोबारा डिफाइन किया है, अब ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, बल्कि ये आप कहें कि ये जीरोथ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो जीरोथ में एक्स की पावर एन आ रही है, फर्स्ट में टू आ रही है, सेकंड में फोर आ रही है, तो आर्थ टर्म में एन प्लस टू आर आएगी पावर। और नीचे जो है टू की पावर, देखें फर्स्ट ये जीरोथ टर्म मैंने कही, ये फर्स्ट टर्म में टू की पावर टू फोर सिक्स, तो उस हिसाब से जनरली टू की पावर टू आर आ गई। सेकेंड टर्म में टू फैक्टोरियल है, आर्थ टर्म में आर का फैक्टोरियल होगा। सेकेंड टर्म में एन प्लस वन एन प्लस टू कहाँ तक जा रहा है, टू तक जा रहा है। आर्थ टर्म में ये चलते चलते डिनोमिनेटर में आगे जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे कर दिया, हालांकि ये डिनोमिनेटर ही चल रहा है, एन प्लस आर तक जाएगा। और ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। तो अब हम इसको सारी को दोबारा से समीशन में लेके आते हैं ताकि ये छुट्टी हो जाए और समझने में आसानी हो, क्योंकि काफी लेंथी हो गई है। तो अगर समीशन बनाने की कोशिश करें तो समीशन बनाने के लिए याद रखें कि जो जनरल टर्म होती है ना यही लिख लेते हैं और आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी कर देते हैं। अगर इसकी जगह जीरो पुट करोगे आर की जगह ये टर्म बनेगी, वन पुट करोगे ये टू थ्री, और आर की जगह आर पुट करोगे तो यही बन जाएगी। तो हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी और ए नॉट एक्स टू रेज पावर एन प्लस टू आर ओवर में क्या आएगा टू की पावर टू आर, यही वाली टर्म यहीं से देख के लिख लें, सारी को देखने की जरूरत नहीं है, आर का फैक्टोरियल इन टू एन प्लस वन एन प्लस टू
ऑन ये चलता जाएगा एन प्लस आर तक। ये डिनोमिनेटर में है साथ में, वैसे ऐसे यूजुअली करते नहीं है, इसको आगे ही चलाना चाहिए लेकिन आगे जगह नहीं, इसलिए मैंने यहां तक इसको कर दिया। अब अगर आप देखें, आप चाहते हैं कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ए नॉट जो है ना वो कोई ऑर्बिटररी कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी पुट कर दो। उसकी वजह क्या है, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना वाई वाली, स्टार्ट में डिफरेंशियल बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया था, उसमें अगर वाई सोल्यूशन है ना तो एन वाई भी सोल्यूशन होगा, कोई कांस्टेंट को वाई से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर भी वो सोल्यूशन ही देगा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम कोई एक कांस्टेंट अपनी मर्जी से ले सकते हैं, तो ए नॉट को हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, और हम इसको आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए, टर्म्स को जरा सीधा करने के लिए हम लिखते हैं ए नॉट इज इक्वल टू वन ओवर टू टू रेस पावर एन इन टू एन फैक्टोरियल। जब आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, मैं थोड़ा इधर करता हूं ताकि अब इस दफा सही तरह पूरा आए, आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ए नॉट की जगह आपके पास आ गया वन ओवर टू की पावर एन इन टू एन फैक्टोरियल। आगे क्या है, एक्स की पावर एन प्लस टू आर, टू की पावर टू आर, और आर का फैक्टोरियल है आगे, और एन प्लस वन सो ऑन चलता जा रहा है, एन प्लस टू भी, एन प्लस आर तक। अब इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा और सही करते हैं, आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ये देखें तो ये टू की पावर एन और टू की पावर टू आर, तो ऊपर बन जाएगा, यहां पे एक चीज मिस हो गई है, माइनस वन की पावर आर जो है ये साथ लिखना था, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज है, एक टर्म पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव आ रही है, तो इसलिए यहां भी माइनस वन की पावर आर आएगा, यहां भी माइनस वन की पावर आर, तो माइनस वन की पावर आर बेशक शुरू में लिख दें। आगे देखें एक्स की पावर कितनी है, एन प्लस टू आर, टू की पावर कितनी होगी है, टू की पावर एन और टू आर, टू की पावर भी एन प्लस टू आर के इक्वल हो चुकी है। इस टर्म को हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब आगे देखें आर फैक्टोरियल आ रहा है, आर का फैक्टोरियल लिख दिया, एन फैक्टोरियल को अगर एन प्लस वन से मल्टीप्लाई करें तो ये एन प्लस वन का फैक्टोरियल बनेगा, उससे आगे एन प्लस टू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे एन प्लस टू का फैक्टोरियल बन जाएगा, इस तरह आगे चलते जाएंगे फैक्टोरियल वाइज, तो ये असल में एन प्लस आर का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो हम एन फैक्टोरियल प्लस ये आर टर्म्स इनको लिख देते हैं एन प्लस आर फैक्टोरियल के। अब हमने क्या करना है, यहां पे हम इसको जनरली नाम देते हैं बेसल फंक्शन का, क्योंकि ये सोल्यूशन है जे एन एक्स का, आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर, देखें एक्स की भी वही पावर है टू की भी वही पावर है, तो हम लिख सकते हैं एक्स ओवर टू की पावर एन प्लस टू आर, और नीचे आर का फैक्टोरियल है और एन प्लस आर का फैक्टोरियल है। आपने गैमा फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि अगर आपके पास किसी चीज का फैक्टोरियल है आप उसको गामा में कन्वर्ट करते हो तो उसमें एक ऐड कर देते हैं, मिसाल के तौर पे एन प्लस आर का फैक्टोरियल है, जब आप इसको गामा में कन्वर्ट करोगे आर फैक्टोरियल तो उसी तरह ही रहेगा, थोड़ा सा पीछे करके लिख लेते हैं, अगर इसको गामा में कन्वर्ट करते हैं तो गामा फंक्शन में ये एन प्लस आर की बजाय एन प्लस आर प्लस वन हो जाएगा, फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि गामा लिख दिया इसको, तो ये गामा फंक्शन की फॉर्म में ये जे एन एक्स आ गया है, ये आपके पास बेसल फंक्शन है। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, इससे आगे थोड़ा सा और काम है, वो क्या है कि जे अभी आपने सिर्फ केस वन किया है जिसमें आपने के इज इक्वल टू एन पुट किया था, केस टू बड़ा आसान है, उसमें आपने क्या करना है के को माइनस एन के इक्वल जब आप पुट करेंगे केस टू में, तो यहां पे जे माइनस एन एक्स हो जाएगा, जे माइनस एन एक्स हो गया, यहां पे क्या होगा, आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी है ये एज इट इज रहेगा, एन की जगह बस आपने माइनस एन पुट करते जाना है, माइनस वन की पावर आर ही रहेगी एक्स की ओवर टू की पावर में, एन की जगह माइनस एन प्लस टू आर आ गया, एन के अलावा किसी चीज में चेंज नहीं करनी, वन ओवर आर फैक्टोरियल
गामा फंक्शन एन की जगह माइनस एन प्लस आर प्लस वन। तो ये आपके पास जो है वो जे ऑफ माइनस एन एक्स भी आ गया है केस टू के लिए। हमने सारी डेरिवेशन नहीं की, हमने जस्ट एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दिया, जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आया। अभी ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सोल्यूशन जरूर हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के, लेकिन अगर हम देखें तो एक सोल्यूशन और भी आ सकता है हमारे पास जो इन दोनों से मिलके बनेगा। एक्चुअल में देखें तो वही सोल्यूशन होगा, इन दोनों का कोई भी लीनियर कंबिनेशन आप ले लेते हो तो वो भी सोल्यूशन होगा। लीनियर कंबिनेशन से मुराद ये है कि y इज इक्वल टू a इंटू जे ऑफ एन एक्स प्लस बी इंटू जे ऑफ माइनस एन एक्स। ये भी सोल्यूशन है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहां पे a और b कोई से दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। तो इस तरह से हमने बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन भी फाइंड कर लिया, बेसल फंक्शन को भी समझ लिया, पूरी डिटेल भी हो गई। आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना आसान ये नजर आता है यहां पे, इतना आसान बिल्कुल नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, वरना आप किसी भी टाइम पे पेपर में चौक कर जाएंगे, आपको भूल जाएगा, और डेफिनेटली भूलना ही है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जस्ट वीडियो देख के रिलाई कर रहे हैं कि आपको समझ आ गया है, बिलीव मी नहीं आया, आपको अभी मेहनत की जरूरत है। शुक्रिया।